हेलो एवरीवन, आई एम सुशील केसरी सीनियर फिजिक्स फैकल्टी विद्यामंत्री क्लासेस एच एल कोरवा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट एंड अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज दिस इज सिक्स लेक्चर ऑन द चैप्टर लाइट अंडर द कॉन्सेप्चुअल वीक सो लेट्स डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमेज के बारे में स्टडी किया था प्लेन मिरर और कौन सी रे को हम इंसीडेंट रे बोलेंगे कौन सी रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इंसीडेंट पॉइंट क्या होता है मींस जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो हमने सब डिस्कस किया था अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन क्या है तो

अब सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर सो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई अब यहाँ पे जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने अर्लियर क्लासेस में देखा है कि किसको बोलते हैं तो नॉर्मल से हम हमेशा एंगल को मेजर करेंगे तो इंसिडेंस रे का एंगल जो होगा नॉर्मल से वो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ़ इन्फिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इन्फिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देट इज़ आई इक्वल्स टू आर तो ये किसी भी अगर हम छोटा सा भी कोई भी कर्ड मिलर है उसमें अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो ये लॉ वहाँ पर भी वैलिड है प्लेन मिरर में भी वैलिड है तो अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में तो ये एक इंसीडेंट रे है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे शो किया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी शो किया हुआ है और एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन भी शो किया हुआ है तो यहाँ पे i इक्वल्स टू आर रहेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे अगर हम ये मिरर देखें ये तो कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर भी जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमने एंगल को नॉर्मल से मेजर किया गया है आई इक्वल्स टू आर सिमिलरली दिस लॉ इज वैलिड ऑल्सो फॉर कॉन्क्यू मिरर तो यहाँ पे एक ये मिरर है एंगल ऑफ इंसीडेंस आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर तो ये हो गया वेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए मिरर नॉर्मली एट और एट राइट एंगल सपोज कोई भी रे है वो नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है किसी भी मिरर पे प्लेन मिरर पे तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा अब यहाँ पे नॉर्मल से वो एंगल कितना बनाएगा अगर वो नॉर्मल इंसीडेंट हो रही है, तो जीरो हो जाएगा अगर नॉर्मल इंसीडेंस हो रहा है कोई भी इंसीडेंट रे का मिरर पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आइक्वल्स टू जीरो तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आर भी ज़ीरो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर विल ऑल्सो भी जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रे नॉर्मली या पर्पेंडिकुलरली हीट कर रही है मिरर को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक हो जाएगी द रे इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एलॉन्ग द नॉर्मल तो नॉर्मल के एलोंग ही वो बाउंस बैक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आर भी जीरो होना चाहिए और और आर जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल के एलॉन्ग ही जाएगी इसका मतलब वो नॉर्मल के एलोंग इंसीडेंट हो रही है तो नॉर्मल के एलॉन्ग ही वापस वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को तो ये यहाँ पर प्लेन मिरर का एग्ज़ाम्पल है प्लेन मिरर में यहाँ पे जो रे है वो इंसीडेंट हो रही है नॉर्मली तो i इक्वल टू जीरो हो गया तो r भी यहाँ पे जीरो होगा एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ़ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पपेंडिकुलरली अगर हिट कर रही है प्लेन मिरर को तो ये नॉर्मल के ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पर देखिए कौन मिरर में तो अगर ये पपेंडिकुलरली हिट कर रहा है कॉनक्यो मिररर को तो इसका मतलब आई जीरो हो गया यहाँ पर भी तो आर भी जीरो होना पड़ेगा बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी रे के एलोंग परपेंडिकुलरली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नाउ कम टू प्लेन मिरर वट इज द प्लेन मिरर तो ए हाईली पॉलिश प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर और इफ़ ए फ्लैट सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज़ पॉलिश्ड वन साइड बाय शाइनिंग सिल्वर मटेरियल दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर मतलब एक सपोज थिन ग्लास सीट है ग्लास का सरफेस है और अगर हम उसके एक साइड को पॉलिश कर दिए किसी भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से पॉलिश कर दिया सपोज लाइक सिल्वर मटेरियल से शाइनिंग सिल्वर मटेरियल से उसको हमने पॉलिश कर दिया तो एक सरफेस जो है एक साइड हो जाएगा वो रिफ़्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा वहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी दूसरे सरफेस से तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होगा बाय ए रिफ्लेक्टिंग मटेरियल अब हम देखते हैं कि जब हम प्लेन मिरर से रीफॉर्मेशन करते हैं तो जो इमेज बनेगी वो उसका नेचर क्या होता है या नेचर ऑफ द इमेज इन जनरल बात करते हैं तो जो इमेज होगी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इमेज किसको बोलेंगे तो जब कोई भी रे इंसीडेंट हो रही है किसी भी मिरर पे तो रिफ्लेक्टेड रे आएगी तो अगर दो रिफ्लेक्टेड रे आ रही हैं और वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे इज़ इमेज तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा क्योंकि हमें एक पॉइंट बनाना है तो एटलीस्ट टू लाइन चाहिए तो दो लाइन अगर कहीं पे भी मीट कर दिए तो वो एक पॉइंट बनाएगा तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हैं तो हम उस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज क्योंकि इमेज इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज तो अब ये टू रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली भी मीट कर सकती हैं और ऐसा लगेगा कि ये मीट कर रही है वर्चुअली मीट कर रही है बट वो एक्चुअल में वीट मीट नहीं कर रही हैं तो इस बेसिस पे हम इमेज को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं पहला रियल इमेज दूसरा वर्चुअल इमेज सो इफ रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट द पॉइंट द पॉइंट इमेज इज कॉल्ड ए रियल इमेज अगर एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो हम उसको रियल इमेज बोलेंगे और अगर इफ द रे रिफ्लेक्टेड रेज अपियर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट देन इमेज इज कॉल्ड एज ए वर्चुअल इमेज लव एक्चुअल में इमेट नहीं कर रही हैं बट वो ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो हम इस टाइप की इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज ए वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते रियल इमेज कैन बी ऑप्टेंड ऑन ए स्क्रीन रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हैं बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते तो ये नेचर ऑफ द इमेज हो गया Now, अगर हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर देखें तो उस इमेज का जो फॉर्मेशन होगा हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं तो देर आर सीवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर तो सबसे पहले साइज का हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर से उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ से एग्जैक्टली exactly सेम होगा इन द रिफ्लेक्शन साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपराइट और इरेक्ट इमेज सो इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा प्लेन मिरर से वेन यू सी योर इमेज इन ए वर्टिकल प्लेन मिरर सच एज दैट फिक्स्ड टू एन अलमिरा देड इन द इमेज इज अप एंड द फीट आर डाउन द सेम वे एज यू एक्चुअली स्टैंड ऑन द फ्लोर तो जैसा आप मिरर के सामने खड़े हो वैसा ही इमेज बनेगा आपका हेड ऊपर है तो हेड उसका जो इमेज होगा इमेज में भी हेड ऊपर रहेगा पैर नीचे है तो पैर भी जो इमेज में पैर आएगा वो भी नीचे रहेगा सो सच एंड इमेज इज कॉल्ड एज इरेक्ट इमेज और अपराइड इमेज नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस सो इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी तो so, मिरर जो है प्लेन मिरर रखा हुआ है उस प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर जो है वो इमेज भी बनेगा सेम डिस्टेंस पे बनेगा तो ये इक्वल डिस्टेंस होना होगा अगर हम प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लेटरल इन्वर्जन इफ यू मूव योर राइट हैंड इट विल अपियर एज इफ लेफ्ट हैंड ऑफ़ योर इमेज इज मूविंग अगर आप मिरर के सामने राइट हैंड शो करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड शो हो रहा है लेफ्ट हैंड ऑफ योर इमेज इज शोइंग आर मूविंग इफ यू कीप ए प्रिंटेड पेज इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर द इमेज ऑफ लेटर एपियर इरेक्ट बट इन्वर्टेड लेटरली आर फाइड वेज सो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन अपने यहाँ पे एम्बुलेंस में भी देखा होगा यू माइट बी सरप्राइज टू सी द वर्ड एम्बुलेंस इन रिटेन इन लेटरली इन्वर्टेड ऑन द वीकल तो जो एम्बुलेंस होती है उसमें एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है इन द रिवर रियर व्यू मिरर ऑफ ए प्रिसडिंग व्हीकल द वर्ड अपियर एज एम्बुलेंस तो ये इस टाइप से एम्बुलेंस दिखेगा कि जो पीछे वाली गाड़ी है उसको वो एकदम क्लियर इमेज दिखेगा एम्बुलेंस ए एम बी यू एल एन सी इस फॉर्म में दिखेगा इट हेल्प्स द ड्राइवर टू रीड द वर्ड करेक्टली एंड ईजली सो दैट दे कैन गिव वे टू द एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट इज एवरी वन ड्यूटी टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे तो पीछे वाला जो व्हीकल होगा उसका ड्राइवर उसको आसानी से देख सकता है क्लियरली करेक्टली देख सकता है और वो एम्बुलेंस को पास कर देगा सो थैंक यू थैंक यू सो मच